हिंदी सिनेमा के कई जाने माने कलाकारों के साथ बासु चैटर्जी की यादें जुड़ी हुई हैं। उनके चले जाने के बाद अब वह कलाकार अपने अंदर बासु चैटर्जी को उन्हीं यादों के सहारे जिंदा रखे हुए हैं। बासु के निर्देशन में फिल्म चितचोर में काम कर चुकी अभिनेत्री जरीना वहाब बताती है कि वह उनके और उनके परिवार के बहुत करीब थी। उन्होंने बताया कि लगभग 2 साल पहले अमोल पालेकर, दीप्ति नवल, बिंदिया गोस्वामी और खुद जरीना वहाब बासु चैटर्जी के घर पर ही मिले थे। बासु चैटर्जी के साथ किए काम के बारे में बताते हुए जरीना वहाब कहती हैं, मैंने उनके साथ पहली बार फिल्म चितचोर में काम किया था। एक बार शूटिंग के दौरान मैं मास्टर राजू के साथ बैठी हुई थी। मास्टर राजू हमें बता रहे थे कि एक गूंगा इंसान पानी कैसे मांगेगा। बासुदा हमें लगभग 10 मिनट से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें टोका तक नहीं। इसके बाद मैंने उनके साथ हुआ सवेरा में काम किया, लेकिन वह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरी फीस नहीं दे सकते, लेकिन वह निर्माता से कहेंगी कि वह मुझे एक कार्ड दे। वह सबसे अच्छे निर्देशक में से एक थे जिनके साथ मैंने अब तक काम किया है। भारतीय सिनेमा के शानदार कलाकार अनु कपूर ने भी बासु चैटर्जी के साथ वर्ष 1986 में आई फिल्म चमेली की शादी में काम किया है। वो बताते हैं, इस फिल्म का सेट उत्तर भारत के छोटे शहर मथुरा में लगा हुआ था। उस शहर को बासुदा बहुत अच्छे से समझते थे क्योंकि वह वहां रह चुके थे। दुर्भाग्य से निर्माता एक कमर्शियल सफलता के पीछे पड़ गए और उन्हें अपनी लय से हटकर फिल्म बनाने के लिए बाध्य किया। उन्होंने फिल्म तो बना दी, लेकिन उस कहानी का जो स्वाद था वह खो गया। हालांकि फिल्म में उनकी प्रस्तुति ने लाज बचा ली थी।